फ्रेंड्स आई एम ऑनलाइन क्लास टीचर ऑन बिहाफ ऑफ आरबी स्टार अकेडमी एंड यूनिक स्टार अकेडमी फॉर क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस। ओपन योर बुक्स एंड कम ऑन पेज नंबर 25। क्लास थर्ड वाले अपनी साइंस की बुक खोले और आइए चैप्टर नंबर थर्ड के 25 पेज यानी पेज नंबर 25 पे आइए आप लोग। हमने जो अपने पिछले वीडियोज़ में मेथड्स ऑफ ईटिंग यानी खाने का जो तरीका था वहाँ तक हमने देख लिया था। अभी हम लोग जो है क्या पढ़ने जा रहे हैं, मीट ईटिंग एनिमल्स यानी मांस खाने वाले जानवरों के बारे में हम जो है पढ़ने जा रहे हैं अभी, ठीक है। कार्निवर्स लाइक लायन, अभी क्या बोला जा रहा है, कार्निवर मतलब मांस खाने वाले जानवर जैसे कि शेर, टाइगर मींस बाघ, ये कॉमा कॉमा करके दिए हुआ है तो समझ लीजिए लायन हो गया, फिर कॉमा टाइगर बाघ हो गया, कॉमा जैकल सियार हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं क्या होते हैं, मांस खाने वाले जानवर होते हैं, ठीक है। टीयर एंड च्यू द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ये लोग जो है नोच नोच करके चबा चबा करके जो है दूसरे जानवरों के जो मांस होते हैं इसको खाते हैं। दे हैव लॉन्ग शार्प एंड पॉइंटेड कर्व फ्रंट टीथ, अभी क्या बोला जा रहा है, इन लोग के पास जो है बहुत लंबे लंबे सामने जो है और नुकीले तेज तर्रार और मतलब एकदम पॉइंट सीधा नुकीला और एकदम तेज सामने वाले दांत होते हैं ताकि जानवरों को जो है मतलब फाड़ के नोच के खाते हैं लोग, ठीक है, सामने वाले दांतों से। दे हैव लॉन्ग शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ फॉर पियर्सिंग एंड ट्रेनिंग द फ्लैश, अब यही बोला जा रहा है कि मतलब नोच के और खींच के खाने के लिए जो है इन लोग के जो दांत बहुत ही नुकीले और तेज होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। सच टीथ आर कॉल्ड कैनिन्स, और ऐसे ही दांतों को जो है क्या बोला जा रहा है, कैनिन्स बोला जाता है। एट द बैक ऑफ द जॉस, और इनके जबड़े के जो पीछे साइड में होता है, जैसे हमारे पीछे साइड रहता है जिसको हम लोग अपनी मुस्कट बोलते हैं, उसके पीछे जो है हमारी होती है ना, यहाँ पे मसूड़े जिसको बोलते हैं, उसके पीछे साइड में जो होते हैं हमारे, यानी जिससे भी हम लोग खाना चबाते हैं, हम लोग आगे सामने से काटते हैं और पीछे चबाते हैं, उसी तरह से इन लोग को भी जो है साइड में जो है पीछे बहुत ही ये भी है, मतलब ये लोग जो भी ब्रॉड फ्लैट यानी जो है चौड़े दांत ये लोग के होते हैं, क्या करने के लिए, ये भी चबाने और खींच खींच के खाने के लिए गोश्त को, यानी सामने वाले दांत से जो है ये लोग भी क्या करते हैं, जो सामने इनका जो दांत रहता है उससे जो है मांस को नीच मतलब नोचते हैं, खींचते हैं, फाड़ते हैं, उसके बाद उसको पीछे साइड में लेके जाते हैं मुंह में, ठीक है, और पीछे साइड मतलब यहाँ साइड में वहाँ पे फिर उसको चबाते हैं उस दांत से, चबाने के बाद जब वो पतला बारीक हो जाता है फिर उसके बाद उसको निगल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रोडेंट, अभी रोडेंट क्या होता है, जो दांतों से जो मतलब सामने वाले दांत, जिसके सामने दांत जो है बहुत ही तेज़ होते हैं, जैसे कि अपना खरगोश हो गया, ठीक है, गिलहरी हो गई, चूहे हो गए, ये सारे जो है सामने वाले, इसको रोडेंट बोला जाता है, जो सामने के दांतों से जो है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, सामने के दांत से देखिए कैसा चबा चबा के खा रहा है, ये भी देखिए, ठीक है। एनिमल्स लाइक स्क्वायरल, जानवर जैसे कि स्क्वायरल मीन्स गिलहरियाँ, देखिए यहाँ पे रैबिट्स यानी खरगोश यहाँ पे दिया हुआ, देखिए रैट्स यानी चूहे एक्सेट्रा यानी इत्यादि, ये सारे जानवर जो इसके बारे में बात कर रहे हैं। हैव पेयर्स ऑफ लार्ज चीसेल लाइक शार्प फ्रंट टीथ, इन लोग के जो है सामने जोड़े मतलब दांत होते हैं, ठीक है, मतलब एक साथ में जो है दो दांत होते हैं ऊपर और दो मतलब नीचे एकदम तेज वाले, उसी से जो है लोग कोई भी चीज़ फटाफट चीर चीर के मतलब काट काट के लोग जो है दांतों से खाते हैं। आप लोग देखे होंगे बहुत बार चूहे लोग जो है घर में बुक्स वगैरह रहती है उसको भी फाड़ देते हैं लोग दांतों से अपने, ठीक है, तो यही बहुत तेज होता है इनके दांत। और कहाँ दिया हुआ है, लाइक शार्प फ्रंट टीथ इन अपर एंड लोअर जॉव्स, यानी इनके जबड़े में जो है ऊपर और नीचे दोनों मतलब दांत जो है तेज होते हैं सामने वाले। दीज टीथ हेल्प देम टू बाइट सीड्स, और ये जो दांत होते हैं इनको जो है मदद करते हैं मतलब खाने के लिए, बीज वगैरह खाने के लिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए नट्स खा रही हैं गिलहरियाँ, तो उसके जो है ये लोग बहुत मदद करते हैं दांतों से फोड़ के खाने के लिए। फ्रूट्स एंड नट्स यानी फल वगैरह जो होते हैं, नट्स वगैरह होते हैं। दे आर ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ, और इनके जो है चौड़े और मजबूत पीछे साइड वाले यहाँ पे मतलब साइड में जाते दांत, इससे ये लोग भी चबा चबा के खाते हैं। हेल्प देम टू चीव यानी दे आर फूड, और इनको भी जो है साइड में जो है जबड़े में जो है इनके साइड में दांत होते हैं चौड़े चौड़े जो चबा चबा करके खाने में इनकी मदद करते हैं, वो भी बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रोडेंट्स, और इन्हीं जानवर को जो है क्या बोला जाता है, रोडेंट बोला जाता है, जो दांतों की मदद से मतलब बहुत ही स्पीड बहुत ज़्यादा तेज तर्रार होते हैं खाने पीने में, ठीक है। सम एनिमल्स लाइक स्नैक, कुछ जानवर जैसे कि सांप कॉमा फ्रॉग यानी मेंढक कॉमा क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ कॉमा लिजार्ड यानी छिपकली, ठीक है, एक्सेट्रा इत्यादि, ये सारे जानवर के बारे में देखते हैं अभी लोग, जो रेप्टाइल्स होते हैं यानी रेंगे चले वाले हैं ये। स्वेलो देयर फूड्स विदाउट बाइटिंग, अब क्या बोला जा रहा है,
ये लोग जो है डायरेक्टली इनका जो भोजन होता है निगल जाते हैं बिना चबाए हुए, बिना काटे हुए, ठीक है। और चीविंग ईट यानी बिना काटे बिना चबाए लोग डायरेक्टली जो है सीधा अंदर निगल जाते हैं। दे ओपन देयर माउथ वाइड यानी जो है ये लोग अपना मुँह जो है बहुत चौड़ा खोलते हैं। देखिए कितना चौड़ा मुँह खुला हुआ है, देखिए इसके अंदर कुछ गया है इसमें, देखिए बहुत चौड़ा मुँह रहता है इनका, उसमें जो है पूरा अंदर ले लेते हैं, ठीक है। वाइड टू स्वैलो देयर फूड्स यानी जो है इन लोग का चौड़ा इसलिए मुँह रहता है ताकि ये लोग जो है डायरेक्टली फूड को यानी भोजन को ये लोग सीधा निगल जाए। अभी आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा सांप जो है सीधा जो है मेंढक को निगल जाते हैं, और निगलते बाद मेंढक जो है जब निगलता है सांप धीरे धीरे तो मेंढक जो है टर टर चिल्लाते भी हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं कि लगता है सांप पकड़ लिया मेंढक को, है ना। वही वाला सिस्टम ऐसे जो ये सारे जो जानवर है ये सब जो है निगलने वाले जानवर हैं, सब जो डायरेक्टली अपने भोजन को सीधा निगल जाते हैं, ठीक है, लील जाते हैं। चलिए अब यहाँ तक हमारा ये वाला वीडियो एंड करते हैं, बाकी ये मैमल्स वगैरह हम अपने अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।